नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं जीप कंपस के 2020 फेसलिफ्ट के बारे में। अब जीप जो है इस गाड़ी को इंडिया के अंदर 21 में लॉन्च करेगा और इसको फर्स्ट क्वार्टर में 21 के लॉन्च किया जाएगा। अब बात करी जाए इसके फेसलिफ्ट के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको जो एक्सटीरियरली है छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे हेडलाइट में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बम्पर में जो है इस कार को थोड़ा बोल्डर लुक देने की कोशिश की गई है, और यहाँ पे आपको ग्रिल्स जो उसके फ्रंट ग्रिल्स हैं उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब बात करी जाए इसके इंजन के बारे में या परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको 1.4 लीटर का पेट्रोल इंजन और उसी के साथ साथ आपको 1.6 लीटर का डीजल इंजन मल्टीजेट देखने को मिलेगा। गियरबॉक्स कॉन्फ़िगरेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, उसी के साथ जो है आपको 7 स्पीड डीसीटी का भी ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर। अब जीप की तरफ से इंटीरियरली जो है कोई ऐसे बड़े चेंजेस नहीं किए गए। सबसे बड़ा चेंज जो इस पूरी गाड़ी के अंदर किया गया है वो इसके डैश पैनल को या फिर ड्राइविंग लुक को चेंज किया गया है। जब भी अपनी कार को चलाएंगे तो आपको जो है पुराने वाली कंपस से नई वाली कंपस के अंदर एक अलग तरीके की फील देने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ा चेंज जो है यहाँ पे उसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में, इसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो के साथ साथ आपको अमेजन अलेक्सा की भी जो है कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। अब बात करें इसके सबसे बड़े चेंज के बारे में इस पूरे इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर, तो आपको जो है इस गाड़ी के अंदर ओवर द एयर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। और आप चाहते हैं कि ओवर द एयर टेक्नोलॉजी क्या है, तो आप हमारे पॉडकास्ट को जरूर सब्सक्राइब करें, वहां पे जो हम ऐसे टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते रहते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में जो आपको हमारे पॉडकास्ट में जरूर देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी जीप कंपस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, क्योंकि यहां पे जो है आपको हर दिन ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं।